आपका क्वेश्चन है, देयर इज अ पेंटागनल शेप पार्क एज शोन फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू वेज, फाइंड एरिया एंड सजेस्ट सम अदर वे। ठीक है ना, तो ये देखो इसने क्या कहा। फर्स्ट इसने कहा पेंटागन, पेंटा मीन्स फाइव साइड्स, फाइव साइड्स। तो दिस इज आवर फाइव साइड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो इसमें मैं देखो क्या क्या दे रखा है मेजर्स वो हम लिखते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका 15 है, ये भी आपका 15 है। तो दैट मीन्स ये वाला ज्योति का जो साइड है ये भी 15 हो गया आपका, ये 15 मीटर्स और ये भी आपका 15 मीटर्स। दिस इज ऑल्सो कविता का भी 15 मीटर्स और ये भी आपका 15 मीटर्स। नाउ दिस इज 15 मीटर, तो ये भी आपका 15 मीटर हो गया। तो 15 मीटर इज टोटल फ्रॉम हियर टू हियर, 15 मीटर्स। दिस इज ऑल्सो 15 मीटर। ठीक है ना, यहां पर देखो इसने क्या दिया है, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 30 मीटर। 15 मीटर इज फ्रॉम हियर टू हियर, तो रिमेनिंग फ्रॉम हियर टू हियर कितना बचा, 15 है ना। तो हमारा यहां से यहां तक कितना है, 15। दिस वन इज 15, तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 15 मीटर्स। ठीक है ना, अब देखो हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका, ज्योति के मेथड से एंड कविता के मेथड से। नो, तो ज्योति का मेथड क्या है, देखो लाइक दिस ओ फोर फोर साइड्स, और वो भी कैसे है, देखो दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री दैट मीन दे आर पैरेलल। तो दैट मीन्स इट्स आर ट्रेपेजियम, तो देर आर टू ट्रेपेजियम्स नाउ। तो ज्योति, तो ज्योति ने देखो कैसे निकाला, टू ट्रेपेजियम, शी हैज टेकन टू इनटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, और देखो कविता ने कैसे निकाला, ऊपर एक ट्रायंगल है एंड नीचे देखो ये 15 है, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी 15 है, दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर। तो कविता ने कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, देखो टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल्स इनटू क्या होता है, हाइट ना। तो यहां पर देखो टू एंड टू गॉन, तो सम ऑफ टू पैरेलल्स, तो सम ऑफ टू पैरेलल्स क्या क्या है, देखो ये आपका 15 है और ये कितना है, देखो यहां से यहां तक टोटल इज 30, तो 30, तो 15 प्लस 30 इज 45। तो ये आपका आ गया 45 इनटू हाइट। तो हाइट क्या है, देखो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट, तो हाइट क्या है हमारी, तो हाइट इज फ्रॉम हियर टू हियर दिस ओनली। तो ये कितना है, देखो टोटल इज 15 और सेंटर में है ये, तो दैट मीन्स 7.5, 7.5। नाउ मल्टीप्लाई करो इसको, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22। नेक्स्ट 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 इज 31। तो ये आपका देखो कितना आ गया, 5 7 3 3 एंड पॉइंट इज देयर, दैट मीन्स हियर। तो दैट मीन्स हमारा ज्योति का क्या निकला, 337.5
0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया सेम है तो इसका एरिया कविता का भी सेम निकलना चाहिए ना। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दिस इज द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड इंटू साइड, और यू कैन से साइड स्क्वायर और यू कैन से ए स्क्वायर एनीथिंग नाउ। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपका हाफ इंटू बेस, तो बेस इज सेम 15 इधर है तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, तो 15 नाउ। हाइट, तो हाइट देखो हाइट इज दिस ओनली 15 मीटर्स, क्योंकि अगर आप इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे यहां से तो यू कैन से दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल, तो 15 मीटर्स, तो इनटू 15 प्लस नाउ साइड इनटू साइड, ठीक है, तो साइड इनटू साइड इज 15 इनटू 15, तो 15 इनटू 15, ठीक है नाउ। तो ये देखो कितना हो रहा है 15 इनटू 15 इज 225, 225 डिवाइडेड बाय 2, 225 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 225 दैट इज इक्वल टू, इसको देखो डिवाइड करो कितना आ रहा है 112.5, 112.5 प्लस 225 दोनों को ऐड करो तो देखो कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू वी कैन से 0.5, 2 प्लस 5 इज 7, 1 प्लस 2 इज 3, अगेन 1 प्लस 2 इज 3 एंड मीटर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी ये एरिया एंड ये एरिया दोनों ने ठीक निकाला है ना, तो हमने एरिया निकाल दिया ना। अब इसमें देखो आगे क्या कहा है, सजेस्ट सम अदर वे, सम अदर वे सजेस्ट करो, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, यस। तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि मैं इसके अंदर ही सजेस्ट कर देता हूं। मैंने क्या किया, ये एक ट्रायंगल है, अगेन आई हैव मेक वन मोर ट्रायंगल हियर, ठीक है ना। तो वी हैव 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इज माय फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, व्हाई, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हमारा डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो 1 एंड 2 आर इक्वल, तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया हो गया नाउ। अब ये देखो ये कैसा है, फ्रॉम हियर टू हियर हाइट है ये 15 एंड बेस इज ऑल्सो 15, बेस इज ऑल्सो 15, तो ये आपका एरिया इस टाइप से निकलेगा है ना। और यहां ये वाला एरिया में देखो हाइट इज 15 है ना डॉटेड लाइन से एंड द बेस इज ऑल्सो 15, दैट मीन्स ऑल 3 ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं तभी ये करेक्ट है, अदरवाइज नो। तो वी कैन से 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो वी कैन राइट 3 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज इक्वल टू 3 इनटू हाफ इनटू 15 इनटू 15, ठीक है नाउ। तो 15 इंटू 15 इज 225, तो ये आपका क्या आ गया देखो 3 इंटू 225 बाई 2, नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 आर 15 वन कैरी, 3 2 जा 6 1 इज 7, 3 2 जा 6 बाई 2, अब 2 से डिवाइड कर दो
तो ये देखो आ क्या आ रहा है, थ्री अगेन थ्री देन 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखो तीनों सेम आ गए आपके, तो दैट मीन्स हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,